गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन ईएस एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन होती है, एलिमेंट्स के कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे देखा होगा आपने कि कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ये पार्टिकल बिल्कुल प्योर होते हैं और उनको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स अपन पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स की थोड़ी सी जानकारी अपन ने ली थी, लेकिन आज अपन इसको एलिमेंट्स को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स की जानते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है, यानी कि जिससे वो बना होता है। कोई भी मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, वो किससे बना होता है, एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको अपन और आगे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे अपन एलिमेंट बोलते हैं। बाई केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल के रिएक्शन के द्वारा हम किसी भी एलिमेंट को बिल्कुल सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की एक बेसिक फॉर्म होती है। दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस, और उसको अपन और आगे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं। बाई केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो ये हुई एलिमेंट्स की डेफिनेशन। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में। तो एलिमेंट्स जो बर्ड था उसका सबसे पहले जो दिया था वो रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में दिया था। रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1661 में एलिमेंट्स बर्ड को दिया था सबसे पहले। और एंटोनी लॉरेंट लेवोजियो, एंटोनी वॉन लेवोजियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है, वो इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। एंटोनी वॉन लेवोजियो इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने ही सबसे पहले एलिमेंट को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था, एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में एलिमेंट वर्ड दिया था, एलिमेंट का नाम दिया था, और एंटोनी लेवोजियो ने इसको डिफाइन किया था। अब एग्जाम्पल जानते हैं एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, आयरन का फॉर्मूला होता है सिंबल Fe, कॉपर का होता है Cu, सिल्वर का होता है Ag, ऑक्सीजन का होता है O2, नाइट्रोजन का होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2। ये सब एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स मैंने बताया था प्योर फॉर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ETC। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स को अपन कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को अपन थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटलॉइड। सबसे पहला है मेटल। मेटल को हिंदी में धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। ठीक है ना, और अब अपने को एक एक से पढ़ती है। सबसे पहले जानते हैं मेटल क्या होता है। मेटल वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसको पटके तो आवाज़ करें, जिसमें मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी हो, मेलिबिलिटी। डक्टिलिटी हो, मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी जो मेटल उसको पीट पीट करके चबदर बना दें, उसकी सीट्स में कन्वर्ट कर दें, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या होती है कि मेटल को जब अपन पतले तारों में काफ़ी खींच सकते हैं तो उसे कहलाती है डक्टिलिटी। जैसे कि सोने में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है, सोने के एक ग्राम सोने से अपन कई किलोमीटर का लंबा वायर खींच सकती है। ठीक है, सोनोरस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी। सोनोरस की प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है मेटल की। कंडक्टिविटी, भाई इनमें करंट आ सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ठीक है ना, तो ये मेटल की सारी प्रॉपर्टीज होती है। मेटल की क्या डेफिनेशन हो गई, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है, जिसके कारण से इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जा सकता है, वो मेटल कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इस मेटल्स के एग्जाम्पल है। जैसे लोहा आपने देखा वो मेटल है, जिसको पटके, है ना, ये सब मेटल। मेटल जनरली
सॉलिड में पाई जाती है, लेकिन एक मेटल है मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ध्यान रखना, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो थर्मामीटर होते हैं उसमें भरा रहता है। काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसके स्थान पर डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है। तो मरकरी लिक्विड स्टेट पाया जाता है, केवल एक मेटल है, बाकी सारे मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल भी होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है, उन्हें अपन बोलते हैं नॉन मेटल। उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, मेल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं और कंडक्टिविटी इनमें नहीं पाई जाती। लेकिन एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, उसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। और आयोडीन में चमक होती है, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसमें चमक पाई जाती है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो ध्यान रखना। और बेरियम जो होता है, सॉरी ब्रोमीन जो होता है ये नॉन मेटल है और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है ना, ब्रोमीन जो होता है नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट पाया जाता है, ये एक्सेप्शन। तो नॉन मेटल जो होते हैं जनरली तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में आपका पाया जाएगा आपका कार्बन है, सल्फर है, गैस में पाया जाएगा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और लिक्विड में पाया जाएगा आपका ब्रोमीन। अब बात करते हैं मेटलॉइड की। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब मेटलॉइड के एग्जाम्पल है। तो एलिमेंट्स को तीन भागों में डिवाइड किया अपन ने, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।